अस्सलाम वालेकुम मेरी कश्मीरी फैमिली, आज मैं लेकर आई हूँ पाए की रेसिपी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3 पाउंड पाए और हम पाए का कुकर में पकाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम ऐड करेंगे ओनियन 3 लार्ज, फिर हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून ईच, फिर हम ऐड करेंगे टमाटर 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, फिर हम ऐड करेंगे 1 लार्ज ग्रीन चिली, फिर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का, फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, फिर हम ऐड करेंगे 3 टीस्पून सूखा हुआ धनिया, 3 टीस्पून जीरा। अब हम ऐड करेंगे 3 मोटी इलायची, 5 लौंग, 1 सिनेमन की स्टिक और 1 टेबलस्पून नमक। अब हम ऐड करेंगे पानी। पानी को मैंने मेजरमेंट नहीं किया क्योंकि हम अपने हिसाब से पानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब पानी ऐड करने के बाद हम इसे हला लेंगे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें पानी कम लग रहा है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे बंद करके 1 घंटे के लिए पकाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब हम चेक करेंगे पाए गल चुके हैं या नहीं। अब हम इसे मिक्स करके चेक करेंगे, अभी भी पाए गले नहीं है। अब हम इसे दोबारा से 1 घंटे के लिए पकाएंगे। 1 घंटा हो चुका है, अब हम चेक करेंगे दोबारा से। पाए अच्छे से गल चुके हैं, अब हम ऑयल ऐड करके इसे हम अच्छे से पकाएंगे। अब ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि पाए ने ऑलरेडी अपना ऑयल छोड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ग्रीन धनिया ऐड करेंगे। आप ये पहले भी ऐड कर सकते हो और अभी भी कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे मिक्स करके इसे कवर करके 30 या मोर मिनट तक कुक करेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, हमने इसे बस 30 मिनट के लिए कुक किया था और आप देखें ये गल चुका है और अच्छे से पक चुका है। अब हम पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए। हमने पानी ऐड कर लिया, अब हम शोरबे के कुक होने देंगे जब तक ये थिक ना हो जाए और पक ना जाए। लेकिन शोरबा भी पक चुका है, अब माशाल्लाह हमारे पाए रेडी हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू गाइज डिड इंजॉय माय वीडियो। इफ़ यू डिड देन लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अल्लाह हाफिज़।